दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का तबादला किया गया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का तबादला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भेजे गए जस्टिस मुरलीधर। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे, दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस को फटकार लगाई गई थी। तो कांग्रेस ने जज के तबादले पर सवाल उठाए हैं, जज के तबादले की टाइमिंग पर सुरजेवाला ने उठाए सवाल। तो जिस तरह से तबादला जस्टिस मुरलीधर का हुआ है, उसके बाद कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है कि काश ऐसे ही दंगाइयों से निपटा गया होता। तो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का तबादला, तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जस्टिस मुरलीधर को भेजा गया है, दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे और दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस को भी फटकार लगाई गई थी कि हालात क्यों काबू में नहीं। और अब ऐसे में कांग्रेस ने जज के तबादले पर सवाल उठाए हैं। तो जज के तबादले की टाइमिंग पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाते हुए कहा कि काश ऐसे ही दंगाइयों से निपटा गया होता। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से हम दे रहे हैं, जहां जस्टिस मुरलीधर को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भेजा गया है। दिल्ली हिंसा के मामलों पर सुनवाई जस्टिस मुरलीधर कर रहे थे, दिल्ली पुलिस को भी फटकार हिंसा को लेकर लगाई गई थी। और अब जिस तरह से तबादला हुआ है, उस टाइमिंग को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि काश ऐसे ही दंगाइयों से भी निपटा गया होता। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित दुबे भी जुड़ गए हैं। अमित, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का तबादला। जी बिल्कुल, देखिए कोलेजियम ने 12 फरवरी को सिफारिश की थी, जिसे कि केंद्र सरकार ने मान लिया है और अब हाईकोर्ट के जज एस मुरलीधरन को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज बनाए गए हैं यहाँ से, यानी उनका ट्रांसफर हो गया है। और इसे लेके अब सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से टाइमिंग को लेके, क्योंकि एस मुरलीधरन जो है वो दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई कर रहे थे। हालांकि ये सिफारिश जो है वो कोलेजियम की तरफ से की गई थी और 12 फरवरी को की गई थी, जो कि इससे पहले का टाइम था, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में जब दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए गए, क्योंकि दिल्ली हिंसा को लेकर सुनवाई यहाँ पर की जा रही थी और पुलिस को भी फटकार हिंसा को लेकर अमित लगाई गई थी, और साफ तौर पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि काश ऐसे दंगाइयों से भी निपटा जाता, तो इसके किस तरह से मायने की सोर इशारा करने की कोशिश। देखिए दो कई चीजें हैं, अगर हम बात करें, दिल्ली पुलिस पे सवालिया निशान खड़े किए गए, ये भी पूछा गया कि आखिरकार जिन नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो या कपिल मिश्रा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, केस दर्ज हुआ या नहीं दर्ज हुआ। लेकिन जो सरकार की तरफ से बात आ रही है कि इसमें सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, कोर्ट का जो कोलेजियम होता है वो इन चीजों को डिसाइड करता है, और इसके लिए बाकायदा 12 फरवरी को सिफारिश की गई थी जिसपे केंद्र सरकार ने मोहर लगाई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि ऐसे में जब आज भी हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो ऐसे में टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल बनते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस जो है केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि किस तरह से न्यायपालिका को बाधित करने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है, और इसका एक उदाहरण है एस मुरलीधरन का ट्रांसफर। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अमित, हालांकि सवाल जरूर यहां पर खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही सवाल के जरिए टाइमिंग को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। जी बिल्कुल, यही सबसे टाइमिंग ही सबसे बड़ा सवाल है कि जो कि ऐसे में जब देर रात जो है 12:30 बजे जस्टिस मुरलीधर जो अपने घर पे सुनवाई करते हैं, हॉस्पिटल्स के लिए की रिपोर्ट मांगते हैं, आगे की सुनवाई अगले दिन होती है, वहां भी वो तमाम नेता, तमाम खासतौर पर ऐसे नेता भड़काऊ बयान देने वाले जो कि बीजेपी से जुड़े हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा हो या अन्य नेता हो, और ऐसे में उनके ऊपर केस दर्ज करने की भी बात सामने आती है। अगले दिन यानी आज भी सुनवाई होनी है और ऐसे में मुरलीधर का ट्रांसफर होना जाहिर तौर पर टाइमिंग को लेकर सवाल उठाता है, और यही वजह है चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो इस बात को लेके केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं राजनीति की बात कर रही है, जबकि केंद्र सरकार जो है साफ तौर पर कोलिजियम का हवाला दे रही है जिसमें 12 फरवरी को सिफारिश की गई थी। अब ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि अगर 12 फरवरी सिफारिश की गई थी तो तब उनका ट्रांसफर क्यों नहीं किया, अब उनका ट्रांसफर क्यों किया,
या दो दिन बाद भी कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर टाइमिंग को लेकर जिस तरह से टिप्पणियां आई हैं, सवाल उठने लाजमी है। चलिए अमित, फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।